मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। हम पूछते हैं कुरान से, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं दो खुतबों से कुरान से पूछकर बता रहा हूं उसे अब्बा की क्या आजमत है। पिछले खुतबे में भी आपने कुरान की चंद आयतें सुनी, उससे पहले से पहले खुतबे में भी आपने कुरान के चंद मुकामात से आयतें सुनी। आज भी कुरान के एक दो मुकामात से आयतें ही पढ़ूंगा आपके सामने। पूछेंगे कि रब की नजर में, कुरान की नजर में, इस्लाम की नजर में सहाबा का क्या मुकाम है, सहाबा का क्या मुकाम है, कुरान क्या कहता है, रब क्या कहता है, रब उनको क्या मानता है, क्या दर्जा देता है, क्या सर्टिफिकेट रब अपनी नारायण किताब में इन सहाबा के लिए नाजिल करता है। हमने कुरान से पूछना है। ना मैं अपनी बात सुनाऊंगा, ना मैं अपने किसी बड़े की बात कहूंगा, ना मैं किसी किताब आम किताब का हवाला दूंगा। कुरान के हवाले से, कुरान की आयत बताकर, सूरत बताकर इंशाल्लाह पूछूंगा क्या क्या मुकाम है रब की नजर में इन सहाबा का रिज़वानुल्लाह अलैहिम, जिनके खिलाफ ये यहूदियों की आल, आले यहूद, जिनके खिलाफ जबान दराजी करती है, जिन पर तान करती है, जिनको गालियां देती है, जिनको काफर मुनाफिक और दुनिया में सबसे बदतरीन लोग कहती है, ये आले यहूद, आसमानों वाला रब उनके बारे में क्या कहता है। कुरान से पूछेंगे ना, कुरान की बात में मुसलमान को तो शक नहीं होगा, कलिमा पढ़ने वाले को। अल्लाहु अकबर। ये पूछने से पहले ये बात याद रख लें, सहाबा सहाबा मेरे भाइयों, अल्लाह के घर में खड़ा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूं, सहाबा इस्लाम की बुनियाद हैं। सहाबा क्या है? इस्लाम की बुनियाद हैं, इस्लाम के रावी हैं, इस्लाम को हम तक पहुंचाने वाले हैं, इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगाने वाले हैं, सब कुछ कुर्बान करके, मुसीबतें झील कर, दुख उठाकर इस्लाम को हम तक पहुंचाने वाले, इस्लाम के मुहाफिज, इस्लाम के रावी, इस्लाम के बयान करने वाले, वो सहाबा इस्लाम की बुनियाद हैं। जब सहाबा पर तान होगी, उन पर कीचड़ उछाला जाएगा, उनको सबो शतम किया जाएगा, उनके खिलाफ जुबान दराज की जाएगी, जब सहाबा को मुर्तद और काफर कहा जाएगा, तो ये डायरेक्ट हमला किस पर होगा? इस्लाम पर। सहाबा पर नहीं, किस पर? इस्लाम पर। काबे के रब की कसम, इस्लाम पर हमला, रब के दीन पर हमला। अबू बकर पर नहीं, उमर पर नहीं, उस्मान पर नहीं, हसन हुसैन पर नहीं, तलहा जुबैर पर नहीं, सादो सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा इब्नुल जर्रा, अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हुम पर नहीं। कसम है अल्लाह की, ये हमला इस्लाम पर हमला है। ये हमला किस पर है? इस्लाम पर। कैसे कैसे इस्लाम पर हमला है? इस्लाम इबलीस को बर्दाश्त नहीं, इबलीस की जुर्रियत यहूदियों, ईसाइयों, मजूसियों को बर्दाश्त नहीं, वो डायरेक्ट कुरान पर हमला करने की बजाय, हदीस पर हमला करने की बजाय सहाबा पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है सारे इस्लाम के रावी ये हैं, जब ये बाकी नहीं रहेंगे, इनकी अदालत मजरूह हो जाएगी, ये काबिले एतबार नहीं रहेंगे, इनको काफर मुनाफिक करार दे दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? इस्लाम वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब इस्लाम के रावी खत्म हो जाएंगे तो इस्लाम बचेगा? कोई एक हदीस दुनिया में जो आपकी नजर से गुजरी हो, जिस हदीस के शुरू में सहाबी का नाम ना हो? हमें हमें किसने बताया कि ये वाली किताब अल्लाह की पाक कलाम है? किसने बताया हमें? किसने हम तक ये बात पहुंचाई है? सहाबा ने। अगर सहाबा को बीच में निकाल दो तो इस किताब को अल्लाह का कलाम मानने का कोई जरिया है दुनिया में? हमें किसने बताया कि ये अहादीस इमामुल अंबिया की जुबान से निकले हुए आपके सच्चे और सुच्चे अल्फाज हैं? ये आपका फेल है, आपका कौलो अमल है।
ये किसने बताया हमें? सहाबा ने। हमें किसने बताया कि इस्लाम के पांच सुतून हैं, पांच अरकान पर, पांच सुतूनों पर इस्लाम खड़ा है? ये किसने बताया हमें? सहाबा ने। हमें किसने बताया है? किसने हमें बताया है कि ईमान के छह अरकान हैं? सहाबा ने बताया है। किसने बताया है हमें कि दिन रात में आसमानों वाले रब ने अपने बंदों पर पांच नमाजें फर्ज की हैं? ये किसने बताया है? अगर सहाबा को बीच में से निकाल दो तो लाके दिखाओ कहां से लाओगे ये चीजें? कैसे साबित करोगे इस्लाम में पांच नमाजें हैं? कैसे साबित करोगे इस्लाम में हज है? कैसे साबित करोगे इस्लाम के अरकान पांच हैं, ईमान के अरकान छह हैं? कैसे साबित करोगे? निकाल कर सहाबा को साबित करके दिखाओ। सहाबी के वास्ते के बगैर ये चीजें बाकी नहीं रहती। सहाबा पर हमला इसलिए है कि दुश्मनी कुरान से है, दुश्मनी इस्लाम से है, दुश्मनी दीन से है। काबे के रब की कसम, चूंकि सहाबा इस इस्लाम की बुनियाद है, इसके रावी हैं, इसको बयान करने वाले हैं, इसके दिफा करने वाले मुहाफिज हैं, इसको पहुंचाने वाले हैं दुनिया तक, वो बीच में खत्म हो जाएंगे, इस्लाम की इमारत सारी ऑटोमेटिक आराम हो जाएगी। यह है इस्लाम पर हमला, सहाबा पर हमला। सिर्फ सहाबा पर हमला नहीं, इस्लाम पर हमला है। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।